टीम इंडिया ने अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 के खिताब पर कब्जा कर लिया है। इंडिया ने इंग्लैंड को फाइनल में 7 विकेट से हराया। भारत ने शेफाली वर्मा की कप्तानी में इस खिताब को जीता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शेफाली वर्मा के लाइफस्टाइल के बारे में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको शेफाली वर्मा पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शेफाली का पूरा नाम है शेफाली वर्मा और शेफाली का निकनेम है रॉकस्टार, जो उन्हें सहवाग ने दिया था। शेफाली का जन्म 28 जनवरी 2004 को रोहतक, हरियाणा में हुआ। 2023 के हिसाब से शेफाली 19 साल की हैं। शेफाली राइट हैंड बैट्समैन हैं और साथ ही वो राइट हैंड ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी करती हैं। शेफाली के पिता का नाम है संजीव वर्मा, जो एक दुकानदार हैं। शेफाली की माता का नाम है प्रवीण बाला और वो एक हाउसवाइफ हैं। शेफाली की छोटी बहन भी है जिनका नाम है नैन्सी वर्मा और उनके भाई का नाम है साहिल वर्मा। बात करें शेफाली की एजुकेशन की तो शेफाली 10th पास है। शेफाली का बचपन से ही खेलों के प्रति काफी झुकाव रहा है। उन्होंने क्रिकेट खेलने में रुचि 2013 में दिखाई जब वो 9 साल की थी। वो अपने पिता के साथ रोहतक के एक स्टेडियम में मैच देखने गई थी और वहाँ रणजी मैच चल रहा था, जिसमें सचिन तेंदुलकर भी खेलने आए हुए थे और वो उनका आखिरी रणजी मैच था। इस मैच में सचिन ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए मुंबई को जीत दिलाई। सचिन की इस पारी को देखकर शेफाली ने क्रिकेट खेलने का निर्णय लिया और वो सचिन को अपना आइडल मानती हैं। शेफाली के पिता को भी क्रिकेट से काफी लगाव था और वो स्टेट लेवल पर क्रिकेट खेला करते थे और उनका सपना था कि वो देश के लिए खेलें, लेकिन उन्हें वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल सकी जिसकी वजह से उनका सपना ही रह गया। शेफाली के पिता ने बचपन में ही उनके क्रिकेट के प्रति लगाव को पहचाना और घर में ही उन्हें क्रिकेट सिखाने लगे। और जब शेफाली थोड़ी बड़ी हुई तो वो उनका एडमिशन एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में कराना चाहते थे, लेकिन लड़की होने की वजह से किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में उनका एडमिशन नहीं हो सका। शेफाली के भाई भी क्रिकेट खेलते हैं और रोहतक के एक क्रिकेट क्लब में प्रैक्टिस और क्रिकेट की बारीकियां सीखते हैं। एक बार शेफाली ने भी अपने भाई के साथ क्रिकेट खेलने की इच्छा जताई, लेकिन उनके भाई ने उन्हें लड़की होने की वजह से अपने साथ खेलने का मौका नहीं दिया। तब शेफाली ने अपने पिता से कहा कि वो उनके बाल काट दें ताकि शेफाली भी सबके साथ खेल सके। एक बार शेफाली अपने भाई की जगह क्रिकेट खेलने क्लब गई। उन्होंने वहां शानदार क्रिकेट खेलते हुए अपने पहले ही मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता और टूर्नामेंट के एंड में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हें ही मिला। शेफाली ने अपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया कि वो लड़कों की तरह ही क्रिकेट खेलते हुए बड़ी हुई है। उनकी क्रिकेट अकेडमी में भी कोई लड़की क्रिकेटर नहीं थी। जब उनके रिश्तेदारों को पता चला कि वो क्रिकेट खेलती हैं, तो उनके पेरेंट्स को अपने रिश्तेदारों की तरफ से खूब ताने मिले कि लड़की है, उसे तो घर के काम करने चाहिए, अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना चाहिए, वुमेन्स क्रिकेट में लड़कियों के लिए कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन शेफाली के पिता को उनके टैलेंट पर पूरा भरोसा था और वो अपने पिता के इस भरोसे पर पूरी तरह से खरी उतरी हैं। शेफाली ने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत में शानदार खेल से हरियाणा की क्रिकेट टीम में जगह बनाई। इसके बाद उन्हें वुमेन मिनी आईपीएल 2020 में खेलने का मौका मिला और मिताली राज की वेलोसिटी टीम में जगह मिली। इस मौके का फायदा उन्होंने पूरी तरीके से उठाया और शानदार प्रदर्शन किया। उनकी टीम फाइनल में पहुंचने तक कामयाब हुई। फाइनल मुकाबले में हरमनप्रीत कौर की टीम सुपरनोवा से इनकी टीम को हार का सामना करना पड़ा। शेफाली वर्मा की मेहनत और विस्फोटक बल्लेबाजी ने उन्हें इंडियन क्रिकेट टीम में काफी जल्दी पहुंचा दिया। उन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच दक्षिण अफ्रीका के साथ 2019 में खेला था, लेकिन इस मैच में वो जीरो पर ही पवेलियन वापस लौट गई थी। साल 2019 में ही उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ हाफ सेंचुरी लगाकर इंटरनेशनल क्रिकेट जगत में एक नया कीर्तिमान अपने नाम किया और वो सबसे कम उम्र में अर्धशतक बनाने वाली महिला क्रिकेटर बन गई। साथ ही शेफाली 15 साल की उम्र में ऐसा करने वाली पहली क्रिकेटर बन गई और उन्होंने सचिन तेंदुलकर के इस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। वेस्ट इंडीज के साथ खेले गए 5 T20 मैच की इस सीरीज में शेफाली ने 158 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुनी गई। इसके बाद शेफाली जनवरी 2020 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले महिला T20 वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट हो गई। ऑस्ट्रेलिया में हुए T20 वर्ल्ड कप में 161 रन के स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाते हुए इस वर्ल्ड कप में तीसरी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई। वर्ल्ड कप में उनके इस प्रदर्शन को देखकर वीरेंद्र सहवाग ने उनका नाम रॉकस्टार रखा। शेफाली वर्मा भारत के लिए इंटरनेशनल T20 खेलने वाली सबसे युवा क्रिकेटर हैं। शेफाली वर्मा ने आईपीएल 2019 में अपने प्रदर्शन से सभी को हैरान कर दिया।
8 अक्टूबर 2022 को वो T20 इंटरनेशनल मैचों में 1000 रन पूरे करने वाले सबसे कम उम्र की क्रिकेटर बन गई। और हाल ही में हुए अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में इंडिया ने शेफाली वर्मा की कैप्टेंसी के अंडर इस टाइटल को अपने नाम किया है। शेफाली आज BCCI की सालाना कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में बी ग्रेड में शामिल हैं और उन्हें 2023 में 5 करोड़ रुपए की एनुअल फीस मिलेगी। तो ये थी शेफाली वर्मा की लाइफ स्टोरी। ये स्टोरी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।